नमस्कार, एचएस बिहार देख रहे हैं आप। मेरा नाम उदीप तारण है। वो हर अभ्यर्थी जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है। यूपीएससी की परीक्षा टाल दी गई थी कोरोना के चलते, पर अब फिर से 4 अक्टूबर से वो परीक्षा जो है वो ली जाएगी। यानी कि अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी थी कि अक्टूबर के महीने में यूपीएससी की परीक्षा होगी। बड़ी संख्या में छात्र रहते हैं यूपीएससी कैंडिडेट के रूप में बिहार और उत्तर प्रदेश से और झारखंड भी साथ ही साथ। तो बिहारियों के लिए यूपीएससी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, एक बहुत बड़ा उनके लाइफ का एक पार्ट होता है। तो एक नई यदि सूचना जारी की गई है यूपीएससी के द्वारा, वो हर छात्र जिन्होंने यूपीएससी का फॉर्म भरा है या जो यूपीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं, वे सभी को अब एग्जाम लाइन में लगने से पहले हॉस्पिटल्स के लाइन में लगना पड़ेगा। यानी कि उन्हें अब COVID-19 का टेस्ट कराना पड़ेगा और वो टेस्ट अगर निगेटिव आता है तो ही वो परीक्षा हॉल में जा पाएंगे और परीक्षा दे पाएंगे। अगर किसी भी कंडीशन में या किसी भी अस्पताल से वो टेस्ट कराते हैं और उनका रिपोर्ट एक बार भी पॉजिटिव आ जाता है तो उनका साल भर का मेहनत बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि कतई यूपीएससी उनका परीक्षा नहीं लेगा। ये नई अधिसूचना जारी की गई है यूपीएससी के द्वारा कि हर छात्रों को COVID-19 का टेस्ट अब कराना कंपलसरी हो जाएगा। सरकार ने इस परीक्षा में शामिल होने के लिए COVID-19 की टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव होने की शर्त लगा दी है। ऐसे में उम्मीदवार तैयारी करे कि कोविड टेस्ट कराने के लिए परीक्षा से पहले अस्पतालों की लाइन में लगे। आपको बताएं कि विद्यार्थियों का कहना है कि परीक्षा में बैठने के लिए COVID-19 की जांच के लिए सरकार की तरफ से नामित अस्पतालों में जांच कराने के लिए कहा गया है। यदि किसी स्टूडेंट को COVID-19 की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है तो वो परीक्षा से वंचित हो जाएगा और उसका साल भर का जो मेहनत है वो भी बर्बाद हो जाएगा। केंद्र के इस निर्देश के बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा समेत अन्य प्रमुख सेवाओं की परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र परेशान हो गए हैं। परेशान होना उनका लाजमी भी है, आखिर कई सालों की मेहनत होती है जो यूपीएससी के स्टूडेंट्स लगाते हैं, परीक्षा की तैयारी करते हैं, कई तरह के विषय होते हैं, अध्ययन करते हैं, कोचिंग जाते हैं, घर वालों का पैसा खर्च होता है और इसके बाद अगर वो गलती से भी COVID-19 पॉजिटिव आते हैं तो उन्हें परीक्षा से बेदखल कर दिया जाएगा। तो यूपीएससी का एक नया फरमान है। हमारे सभी विद्यार्थी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो एचएस बिहार के साथ जुड़े रहते हैं, आप खुद को सुरक्षित रखें, अधिक से अधिक अपने आप को क्वारंटीन रखें और अक्टूबर के जो महीना में एग्जाम होने जा रहा है उसमें जब कोविड टेस्ट होगा तो ये हमारी भी आपके साथ शुभकामना है कि आपका जो टेस्ट है वो निगेटिव आए और आप एग्जाम में जरूर बैठ सकें। एचएस बिहार को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद।